وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثناء الله جل جلاله واسطے درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محسن اعداء میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے پیارے 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 دوستو بھائیو اور میری قابل صد احترام باؤ بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعۃ المبارک دا تعلیم و تعلم دا اتنا پیارا سلسلہ پڑھنے پڑھانے دا سبق یاد کرنا اور کروان دا بہترین ایک ذریعہ اللہ انہوں اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے شکر کریا کر اس ذات دا احسان منیا کر اس اللہ سونے دا جڑا اللہ اپنے دروازے تے جھکنے دی سعادت عطا فرماندا ہے بہت خوش قسمت لوگ نے کہ جڑے اللہ سونے دے حکم نو من کر کے اللہ دے گھر چ جاندے نے رب دے مہمان بن جاندے نے اللہ کہندا ہے انہاں ورگا کوئی نہیں جگ تے انہاں ورگا کوئی نہیں جڑے میرے مہمان بنے بیٹھے نے سبحان اللہ جنہاں دا میزبان عرش والا الہ ہوئے گا کیوں جی اس مہمان دی کیا شان ہوئے گی کیا عظمت ہوئے گی اس مہمان دی جی میرے پیارے بھائی ایک مہمان او دی آمد آمد رمضان ہے جی او مہمان دا کی نا ہے ماہ رمضان اللہ اکبر اللہ اللہ
तो आज असी अर्ज करना है जनाब दी खिदमत अंदर, रमजान कैसे गुजारे। रमजान नहीं कहना, मीम देते जज़्म नहीं पढ़नी, मीम ते भी जबर ही पढ़नी, रमजान 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 कैसे गुजारे। सुभान अल्लाह, देखो तवज्जो फरमाना, अल्लाह ने फरमाया दिया अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालों नूं मुखातिब फरमा रहे ने, तुहानूं खिताब हो रहा है, अल्लाह डायरेक्ट खिताब करदे पए ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जदों खुद पढ़ेगा तो इवें ही पढ़ेगा, खतीब पढ़ेगा तो इसे तरीके नाल, खतीब नूं भी खिताब हो रहा है, खतीब नूं भी खिताब हो रहा है अर्श वाले अल्लाह सोने दा। फरमाया ए ईमान वाले हो, कुतिबा कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुहाडे ते रोजे फर्ज कर दिते गए ने, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कबलिकुम, जिस तरीके नाल तुहाडे तो पहले वाले लोगां ते रोजे फर्ज कर दिते गए ने, इस वास्ते रोजे फर्ज किते गए तुहाडे ते ते तुहाडे तो कबल लोगां ते, कि लअल्लकुम तत्तकू, ताकि तुसी लोग तकवे वाले परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह करीम ने इस वास्ते रोजे फर्ज करार दिते ने, इस वास्ते अर्श वाले दा ऐलान दूसरे मुकाम ते सूरा अहज़ाब दी आयत नंबर 35 दे अंदर अल्लाह फरमाते ने, वस्साइमीन वस्साइमा, रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वालियां औरतां, और नाल ही फरमाया वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात, और अपने वजूद अपने जिस्म दी अपनी ख्वाहिशात दी हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वालियां औरतां, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह का कसीरा वज़्ज़ाकिरात, अल्लाह अल्लाह दा बहुता जिक्र करने वाले मर्द, जिक्र तो सारे ही करते हैं ना, लेकिन उन्होंने शान निराली है जेड़े ज्यादा जिक्र करते हैं कथीर। फरमाया वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरात, यानी ज्यादा कसरत नाल जिक्र करने वाले मर्द, कसरत नाल जिक्र करने वालियां औरतां, इन लोगों वास्ते हाँ जी की ना दा अंजाम है, की ना दा मुकाम है, की सिला मिलेगा। फरमाया अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा, वाह अल्लाह सुने, अल्लाह कहता है इन लोगों वास्ते तैयार कर रखे है, केड़ी चीज तैयार की है, मग़फ़िरतन मग़फ़िरतन मग़फ़िरत बख्शिश। सुभान अल्लाह, ऐ तेनू तेरे रोजे ने फायदा पहुंचाया है, इंज जे रोजे दी हिफाजत करेगा और जनाब अपने वजूद अपने अपनिया ख्वाहिशात दी हिफाजत करेगा, मर्द होवे या औरत अल्लाह दा जिक्र करे, मर्द होवे या औरत, अल्लाह करीम ने उन्हां वास्ते सब तो पहला आयना इनाम अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरा, मग़फ़िरत अल्लाह ने उन्हां वास्ते तैयार कर रखी है, और नाल फरमाया मग़फ़िरत तो बाद अजरन अज़ीमा,
फिर अजर अजीम अल्लाह करीम ने उन्हां वास्ते तैयार कर रखे आए मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला नवैद करदे ने हदीस सही है मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान मुबारक दी पहली रात ही जो चंद नजर आ जांदा है सुफिदत शयातीन व मरदतुल जिन फरमाया शैतान और जिन इन्हों शैताना बन दिता जाता है यानी उन्होंने संगलों के अंदर जकड़ दिता जाता है वह मारा दातुल जिन और जिन्हों भगा दिता जाता है। करो कोई जिन शैतान सिफत कोई शरारती जिन कोई जनाब शरीर जिन और कोई शैतान तुहाडे अमल अंदर तुहाडी इबादत अंदर तुहाडे रोजे दे अंदर तुहाडियां तिलावतां दे अंदर तुहाडियां नमाजां दे अंदर कोई खलल नहीं डालेगा। फ्री हैंड हो गए इबादत करने वाले फ्री हैंड हो गए। अल्लाह ताला ने उन्होंने सुबहान अल्लाह उन्होंने जनाब शैतान दे शर्तों ते शरीर जिन्ना दे शर्तों अल्लाह ने महफूज फरमा लिया। कोई दौड़ा दिते गए हुक्म होया दौड़ जाओ मेरी इबादत करने वाले दी इबादत अंदर खलल ना पाया जे नेकी करने वाले दी नेकी अंदर खलल नहीं पाना। चलो शैतानों तुहानू जकड़ दिता गया है संगलों के अंदर जिन्हों शरीर जिन्हों तुहानू दौड़ा दिता गया है भगा दिता गया है। और नाल फरमाया जड़ी बड़ी प्यारी बात मैं ते पढ़ करके झूम झूम ही गया फरमाया अल्लाह के प्यारे महबूब नबी ने रोजिया के महीने पहली रात ही वा गुल्लिकत अबवाबुन जहन्नम दे दरवाजे बंद कर दिते जाते ने गुली कत यानी बंद कर दिए जाते हैं लॉक कर दिए जाते हैं जहन्नम के दरवाजे फलम युफ्तह मिन्हा बाब। इब्ने माजा और निसाई दी हदीस है सनद बिल्कुल दुरुस्त है। तवज्जो फरमाना हजरत अबू हुरैरा दे रावी ने रजी अल्लाह हो सारे कह दो मिलके रजी अल्लाह हो इमाम उल मुहद्दिसीन हाँ फकीह उम्मत हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआलान रजी अल्लाह तआलान क्या बात है जनाब इधर वेखना हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने रवायत करदे ने प्यारे नबी ने फरमाया पहलियां दो गल्लां दे बाद तीसरी बात ने ते हिला के रख दिता है सुबहान अल्लाह झूम झूम गया है बंदा। अर्श वाले फरमाया मेरे महबूब इन्हां नूं आखो वा गुल्लिकत अबवाब जहन्नम दे सारे दे सारे दरवाजे बंद कर दिते जांदे ने फलम युफ्तह मिन्हा बाब। फरमाया उन्हां सारे जहन्नम दे दरवाजिया चो एक दरवाजा भी खुला नहीं रहन दिता जांदा सारे दे सारे दरवाजे बंद सुभान अल्लाह और नाल फरमाया वफुतिहत अबवाबुल जन्ना ते जन्नत दे दरवाजे खोल दिते जांदे ने उत्थे भी इसे तरह प्यारे नबी फरमाया फलम युगलक मिन्हा फरमाया एक दरवाजा भी जन्नत दा बंद नहीं कीता जांदा सारे दे सारे दरवाजे खोल दिते जाते हैं। पहली रात उधरों चंद नजर आंदा है रमजान मुबारक दा हुण पता चलेगा कि जनाब इतनी आजमत वाला महीना इतनी अल्लाह दे इनाम ते मोमिन लोग मुसलमान लोग रमजान किवें गुजारनगे ना इधर वेखना तवज्जो फरमाना मैनू ते बुखारी शरीफ की हदीस याद आई मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे ने सवाब दी नीयत नाल एक रोजा रखिया
ये फर्जी रोजे का जिक्र नहीं, ये नफली रोजा है। जिस बंदे ने सवाब दी नियत नाल एक रोजा रखिया, अल्लाह दी सारी जिंदगी दे साबका गुनाह बख्श देंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नफली रोजे दी बात है, ते फर्जी रोजे दे क्या कहने हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। जी मेरे सोने वीर, मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान इरशादे गिरामी मेरे प्यारे नबी दा हदीस सनद इतबार नाल सही है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला रवायत कर देने, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और तेरे प्यारे महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल ठर जाता है। यकीन जानो मेरे नबी सोने दा इरशाद गिरामी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इंदा कुल्ली फितरी फरमाया रोजेदार दी हर अफतारी दे वक्त, हर अफतारी सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम बहुत सारिया गर्दना नू जहन्नम दी अग तो आजाद फरमा देने, यानी जहन्नम दी आजादी मिलती है बड़े लोगों नू। अल्लाह करे मैनू तेनू भी उन्हां लोगां दे अंदर शामिल कर दिता जावे। पहला रोजा अफतार करिए, अल्लाह के जाओ सोने हो जहन्नम तो आजाद हो गए, जहन्नम तो आजादी मिल गई है। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक अफतारी दे वेले नहीं وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ हर रात अमल जारी रहता है। कुल्ली लैला हर रात इंजी होंदा सुबहान अल्लाह। रात शुरू हो जाती है ना, सूरज गुरूब होंदा मगरब दे टाइम रात शुरू हो गई, हर रात इस अमल नू दोहराया जाता है। अल्लाह नहीं तो किसी रात 29 या 30 रातों के विचों कोई ऐसी रात ही साढ़े नए लिख दे। अल्लाह सोने जदों सानू जहन्नम तो आजादी मिल जाए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला फरमाज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू कोई इंजदा अमल दसो सोने, जड़ा अमल मैनू जन्नत विच लै जाए। वाह 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 सुबहान अल्लाह। मेरे नबी दा सहाबी उन्होंने कितनी जन्नत की फिक्र है, जन्नत दा कितनी ख्वाहिश है, कितनी चाहत लगी हुई है, हर वेले जन्नत दे सौदे कर देन, जन्नत खरीद देने। सहाबी अर्ज करदा सोनिया मैनू कोई इंज दा अमल दसो कि जन्नत मिल जाए। मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ जी फरमाया अलैका बिस्सौम फइन्न लहू लअदल लह। वाह क्या बात है यार। फरमाया सोनिया रोजे नू लाजिम पकड़ ले, यानी रोजे दी पाबंदी कर ले, क्यों जो इन्नहू लअदल लह ओदा जोड़ी कोई नहीं। रोजे दे बराबर कोई और चीज है, जन्नत चल जान वास्ते रोजा काफी है। सुभान अल्लाह।
मेरे प्यारे वीर ऐसे अर्जा ला रहे अदना जा तालिब इल्म मैं अर्जे कर रहा सा बुखारी और मुस्लिम शरीफ दी हदीस है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजिया दे महीने दे अंदर हर अमल का सवाब बधा दिता जाता है। वैसे तो आम दिनों के अंदर भी नेकी एक करेगा अल्लाह तेनू दस नेकिया का सवाब अता फरमाएगा। नेकी एक करनी है तो सवाब कितनिया नेकिया का, नमाज एक पढ़ेगा तो सवाब दसा नमाजा का, एक दिन अंदर पांच पढ़ेगा सवाब पंजा नमाजा का। सुन चुके हैं ना फलसफा मेराज अंदर। इस वास्ते मैं अर्जे कर रहा जे मेरे मेरे प्यारे नबी सोने ने फरमाया बुखारी और मुस्लिम की हदीस है हजरत अबू हुरैरा ये दे रावी ने हजरत अबू सईद खुदरी भी ये दे रावी ने इन हदीसा के अंदर इन तईन रोजेदार वास्ते दो खुशियां दो राहतां, दो खुशियां दे वेले रोजेदार वास्ते फरमाया ओ दो खुशियां चो पहली खुशी केड़ी है इजा अफ्तारा फारिहा इजा अफ्तारा फारिहा जदो अफतार करता है उस वेले अल्लाह नू खुशी नसीब फरमांदा है। दो खुशियां रोजेदार वास्ते सुभान अल्लाह, एक अफतारी दे टाइम दूसरी وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحًا जदो अल्लाह नाल मिलेगा अल्लाह दी मुलाकात करेगा रोजेदार अल्लाह उन्हों दी जजा देगा उस वेले फारिहा उस वेले उन्हों खुशी मिलेगी। दो राहतां दो खुशियां सुभान अल्लाह है जी रोजेदार वास्ते रजिस्टर्ड हो गईयां। ये मेरे नबी दी ज़बान अब्दस व अनवर विचों सुभान अल्लाह। हदीस भी बुखारी मुस्लिम दी मेरे नबी ने अगे फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी अल्लाह उस ज़ात दी कसम है जेदे हाथ अंदर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जान है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया उस जात दी मैनू कसम है। फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लखलूफ फमिस्साइन अतयब इंदल्लाहि मिन रीहिल मिस्क। वाह वाह सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह दे प्यारे महबूब ने के अल्लाह दे नज़दीक रोजेदार दे मुंह दी महक जिन्हों असी लोग कहने हवाड़ आँदी पी है यार परामू कर हवाड़ आँदी पी है क्यों जी अल्लाह नू हवाड़ ओ इतनी प्यारी लगती है के फरमाया अतयब इंदल्लाहि मिन रीहिल मिस्क कस्तूरी दी खुशबू नालों ज्यादा पाकीज़ा। अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे प्यारे वीर तिब्बी मसाइल इतने ज्यादा तिब्बी मसाइल ने ना सुबहान अल्लाह तिब्बी फवायद भी बड़े ने इहदे मसाइल रोजे दे दे अंदर तिब्बी फवायद इतने ज्यादा बात लंबी ना हो जाए। अल्लाहु अकबर हर बीमारी दी शिफाए रोजा हर बीमारी दी शिफाए। इस वास्ते अर्ज़ा लाना मेरे प्यारे वीर गौर नाल सुन दरा मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इरशादा दे गिरामी ते अमल करने वाले इंज दे भी गुजरे ने मुहद्दिसीन रहिमहुमुल्लाह अलैहिम अजमाइन। अल्लाह दे नेक बंदे जिन्ना दे इलम अंदर उतरिया होया अंदरों आलिम सन अमल वाले आलिम सनना रमजान उल मुबारक गुजरने दे बाद मैं आख्या ना रमजान किवें गुजारीए रमजान उल मुबारक दे गुजरने दे बाद यानी उते पांच पांच महीनियां तक रोंदे ही रह जांदे पता नहीं साढ़े रोजे कबूल होए वेगने के नहीं।
साढ़े अमल पता नहीं कबूल, रात लगिया सदकात खरात किते हुए पता नहीं कबूल हुए ये होए नहीं या नहीं, बस पांच पांच महीनिया तक रोंद ही रह जाते। फिर जनाबे लोग है जी इथे ही बस नहीं, छे छे महीने रोजे रमजान मुबारक फर्ज रोजिया का महीना आन तो पहले छे छे महीने रोजे ही रखते रहते। क्यों इतनी इबादत रमजान तो अलावा क्यों करते सन के जी रमजान प्रैक्टिस करते रहते के रोजे रोजिया की रोजा आदत में शामिल हो जाए। इस माए मुकद्दस के अंदर अहकाम बजा ले आने वास्ते थकावट महसूस ना होवे, उकताहट महसूस ना होवे। असी अगे पिछे नहीं ना करते, इस वास्ते अद्धा सपारा भी नहीं सुनने वास्ते तैयार है, अद्धा सपारा भी नियतों हर गए, नियतों ही हर गए। क्यों जी अंदरों ही हरे पे असी लोग तैयारी नहीं करते। अगे जी थकावट हो जाती, मैं बीमार हाँ नहीं बैठा जाता, नहीं वो यार ते खड़ा नहीं हो जाता, बह जा और कोल बह के ही सुनी जा कुराने पाक। आते सी मस्जिद अंदर इंज भूंजा फिर जाता, अल्लाह माफ फरमाए मस्जिदों के अंदर तरावियों के वक्त अल्लाह अल्लाह है जी, बड़िया 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 मस्जिदों के अंदर दो दो चार चार पाँच पाँच सात सात बंदे रह जाते हैं, एक साफ रह गई दो सफा रह गई बड़ी मुश्किल के नाल इला माशाला। वो खुशकिस्मत लोग हो गए जिन्हों मस्जिदा भरिया हो गई रोजिया के महीनों के अंदर तरावी के टाइम। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह यार असी कहने ये कड़ा फर्ज है, और फर्ज नहीं तो अल्लाह के बंदे इनाम कितना ज्यादा है और कितना सवाब तो अजर कितना ज्यादा है। अजर तो महरूम रह जाने फर्ज ना करके, फर्ज ये कड़ा फर्ज है जी, ये कड़ा फर्ज है तरावी पढ़नी, इंज कह कह के लोगों मस्जिदों तो दूर करना इन्हों वास्ते फर्ज सी। ऐ जे लोग जिन्हों का मैं मुहद्दिसीन का तज़किरा कर रहा इन्हों वास्ते फर्ज सी तरावी, और ये भी नफल ही समझते सन, नफल का ही फतवा देंदे सन। लेकिन उन लोगों का ईमान कितना पुख्ता सी, वो इतनी प्रैक्टिस कर दे, इतना ज्यादा तवज्जो कर दे कि ताकि रोजे रख रख के रोजा इंजी तबीयत अंदर आदत अंदर शामिल हो जाए, फर्जी रोजे मुश्किल पेश ना आए फर्जी रोजिया के अंदर। और इस तरीके नाल अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह ये लंबे लंबे क्याम कर दे, रोजिया तो अलावा भी रुकू कर दे बड़े लंबे लंबे, और सजदे सदकात खैरात अगे पिछे भी करते रहते। साढ़े बंदे कहते जी रोजिया का महीना आएगा तो फिर खर्च करांगे, अगे पिछे नहीं खर्च करना। अगे पिछे क्यों नहीं खर्च करना, जरूरत अज बंदा भावें दवाई तो बगैर मर जाए, काम अज एमरजेंसी अज लगी हुई है, तू रोजिया का इंतजार करे, रोजे तो आएंगे मगर तेनू नहीं पता तू रोजिया च होएगा या नहीं होएगा। जदों अल्लाह मौका देवे नेकी दा उस वेले फौरन करो फौरन। हाँ जी मेरे प्यारे वीर इसे वास्ते ते मैं अर्ज कर रहा, मेरे तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान हदीसे सही अंदर तिर्मिज़ी दी हदीस, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया वा रग्म अन्फु बंदा हलाक हो गया, वा रग्म अन्फु रजुल दखल अलैहि रमज़ान ثم انسلخ قبل ان يغفر له। फरमाया हलाक हो गया वो बंदा जिदी जिंदगी दे अंदर रमजान आ गया ते रमजान मुक गया ते बंदे दी बख्शिश ना हुई, रमजान खत्म हो गया रमजान आया ते चला गया बंदे दी बख्शिश ना होई, बंदा रब कोलो बख्शिश ना करवा सकिया ते हलाक ही हो गया। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। जी मेरे प्यारे वीर बुखारी शरीफ और मुस्लिम अंदर दुआ किताबां दे अंदर हदीस मेरे प्यारे नबी दा फरमान सोने आ, एक रोजेदार दा इक्को ही रोजा अल्लाह उदे चेहरे नू जहन्नम दी आग तो 70 साल दी मुसाफत दूर कर देगा। 70 साल बंदा चलता रवे है जी जहन्नम दी आग तो 70 साल, 70 गद नहीं 70 महीने नहीं 70 साल दी मुसाफत दूर कर देगा। बुखारी और मुस्लिम दी हदीस, अंदाजा लगाओ
कितना बड़ा आजर है, कितना बड़ा रोजे का सवाब है। इतने भी फर्जी रोजे की नहीं, फर्जी रोजे का नहीं जिक्र, इतने भी एक रोजे का जिक्र। कितना अजर है, कितना सवाब है। सुबहान अल्लाह जी, नफली रोजे का किते किते अजर ते सवाब दस दिता गया। क्यों जी? ऐ वेखो, नफली रोजे का सवाब दसिया गया ना कि 70 साल की मुसाफत है तो जहन्नम तो बंदिया दूर कर दिता जाएगा। एक रोज़ा तेन 70 साल की मुसाफत जहन्नम तो दूर कर देगा। एक रोजा, नफली रोजा, नफली रोजे की बात है जी। मेरे तेरे प्यारे नबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशादे गिरामी, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन लोग ने जिन्ना दी दुआ रद्द नहीं कीती जांदी, यानी दुआ नू मुड़िया नहीं जांदा, टाली नहीं जांदी दुआ, वो दुआ कबूल ही हो जाती है। पहला बंदा इस हदीस अंदर दावतुस्साइम, साइम सोम रोजा है ना, सयाम ओदी जमा, रोजेदार दी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करदा। जे एवें ना रोजा रख के मुंह बन के टुरया फिरया कर, नहीं नहीं अल्लाह अगे दुआं करया कर, जिक्र अज़कार करदा रहा कर, अल्लाह दा कुर्ब हासिल करदा रहा कर, रोज़ा रख के दुआवां कर, टका के जिहड़ियां तेरियां सालां दे विच दुआवां कबूल नहीं होईयां, अल्लाह नूं आख अल्लाह सुनिया पहले रोज़े ही ए चीज़ लैणी है, पहले रोज़े ही तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। रोज़ेदार दी दुआ अल्लाह रद्द नहीं जे करदा। एक बात, जिन्हां लोगों की दुआ रद्द नहीं की जाती है जी, अल्लाह लौटाई नहीं जाती। और अल्लाह अल्लाह दे वो तीन बंदे बड़े प्यारे प्यारे बंदे ने, एक तो रोज़ेदार बंदा है और दूसरा हुआ दावतुल मज़लूम, मज़लूम दी हा, मज़लूम दी दुआ, मज़लूम दी बुकार अल्लाह दे अर्श नाल चिमट जांदी। जे जुल्म ना करी, जे उहदी चीख निकल गई ना एक बारी, एक बारी उन्हें फरियाद कर दिती, कूक मार छड़ी, तो एक बारी दिल दी हा निकल गई उहदी, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, कख नहीं रहना। जुल्म ना करी, जालिमां दे विच शामिल ना होवी। जिदे ते जुल्म कर रहा है उदी बद्दुआ दे दरमियान ते अर्श वाले दी दे अर्श दे दरमियान फासला ही कोई नहीं, बड़ी जल्दी पहुंचती है अल्लाह दे अर्श दे। जी तीसरा बंदा व दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर दी दुआ बड़ी जल्दी कबूल होंदी है, बड़ी जल्दी कबूल होंदी है। हाँ जी, बुखारी शरीफ दी हदीस आ गई, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह है ना जड़ा निकाह करना, फरमाया निकाह अगुद्दुलिल बसर, अखां दा झुकाओ है। क्यों जी? अखां दा, अखां नीवियां हो जांदियां ने। अल्लाह अल्लाह अकबर, निकाह करना तेनू शर्मीला बना देगा, तेनू हया वाला बना देगा, तेरिया नजर झुका देगा। नकाह कर, नकाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हदीस मैं अपने कोलों नहीं बयान कर रहा, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया, पहली बात फरमाया, अगुद्दुलिल बसर, निकाह है जड़ा तेरिया नजरां झुका देगा। वह अहसनुलिल फर्ज, और फरमाया तेनू हयादार बना देगा, ख्वाहिश तो ख्वाहिशात तो कंट्रोल करना। रोजा तेनू, हाँ जी जनाब, निकाह से निकाह नाल दो कम गुंदे, जे एक नजरां झुक जांदियां ने, एक ख्वाहिशात ते कंट्रोल हुंदा है, ख्वाहिश ते कंट्रोल हुंदा है, नहीं ते रोजा है। निकाह अगर निकाह नहीं कर सकिया, को मौका नहीं बनिया, मुनासिब रिश्ता नहीं मिलिया, क्यों जी रिश्ता नहीं मिलिया, गुंजाइश नहीं बनी, निकाह नहीं कर सकिया, ते फिर रोजा है। ये दोवें काम रोजे नाल होंदे ने। सुभान, नजरां दा झुकाओ ते ख्वाहिशात ते कंट्रोल। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार, हाँ जी हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दे बेटे
हजरत मौलाना कारी अब्दुर्रहमान आबिद हक्कानी कराची से हमारे मेहमान तशरीफ लाए हुए माशाल्लाह, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत फरमाए। मौलाना मुफ्ती अब्दुल कहार देलवी रहमतुल्लाह अलैहि दामाद माशाल्लाह कराची वाले हैं जी, अल्लाह अकबर अल्लाह हैं जी, बहुत मुझे हुए इंसान माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। साढ़े संगे बुनियाद जो दो दिन पहले रखा गया माशाल्लाह, मेरी जमात दे अमीर मोहतरम समेत हाफिज मोहम्मद जुल्करनैन समेत और साढ़े हाफिज लाहौरी माशाल्लाह, मेरे भाई अब्दुल स्तार इसे तरीके नाल, मेरे हाफिज अल्लाह दिता साहब, पूरी माशाल्लाह जमात गई अपने हाथ नाल एक गेट रखी इन्होंने, और जिन्ना च मुफ्ती अब्दुल सत्तार हकानी रहमतुल्लाह अलैह दे बेटे मौलाना अब्दुल रहमान आबिद हकानी हफिज़ाहुल्लाह ताला वो भी मौजूद सन। अज कहते हैं मैं पंजाब चाया हुआ, लंबे सफर रोज रोज नहीं होंगे, कारी साहब आपकी मस्जिद में जहाँ आप जुमा पढ़ाते हैं मैं आज जुमा पढ़ता चलूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे भाई तवज्जो फरमाना जरा, क्या खुशकिस्मत लोग हो। मैं दस्या है बुखारी शरीफ के हवाले नाल, निकाह नाल दो काम होंगे जे, दो फायदे होंगे ने, एक तो निकाह नाल नजर झुक दियां ने, दूसरा ख्वाहिशात ते कंट्रोल होंगे, ठीक है ना। इस तरीके नाल अगर निकाह नहीं कर सकता तो फिर ये दो काम रोजा रख के कर लिया। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। जी जी मेरे प्यारे वीर, एक जनाब मुस्लिम शरीफ दी हदीस होर आई है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए महीने दे शबो रोज, फरमाया ओ लोगो एक रोजा जनाब इस महीने दे दिन और रात दे गुनाहां दा कफारा बन जांदा है। हैं जी, दिन रात देख सगीरा गुनामा दा कफारा बन गया। और इस तरीके नाल से यारो आला मिनु बला हदीस दी किताब अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला उन्हां तों रवायत है, हजरत उमर फारूक यानी अपने बाबे दी गल करदे ने, इबने उमर अपने अब्बा जी दी उमर बिन खताब दी गल करदे ने, अम्मी ऐशा दी बात करदे ने, कहंदे ने मेरा बाबा और मेरी अम्मी ऐशा सिद्दी का अक्सर रोजे रखिया कर दे सन। रमजान कैसे गुजारे, रमजान तो अलावा भी अक्सर रोजे, ते रोज फर्जी रोजे छड़न दा ते सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, जेड़े नफली रोजे रखन दे आदि ने रोजे ज्यादा रखते रहते सन, उन्हां नूं पता सी कि रोजे दा अजर की है, रोजा के कितना अजर वाला है ना। मेरा साथी मशवरा है मेरे प्यारे वीर, ये तजर्बा जाओ अतिबा हुकमा डॉक्टर हजरात जेड़े दीन नाल अटैच ने, उन्होंने पूछो जा करके वो तुहानू दसणगे कि जनाब जेड़ा रोजे ज्यादा रखेगा वो बीमारियां कम लगनगियां, उन्हूं बीमारियां कम लगनगियां, बीमार कम होएगा, थोड़ा बीमार होएगा। हाँ, रोजा बीमारियां का इलाज है, बीमारियां तो शिफा जे, असि कहने से रोजा रख लिया तो बीमार हो जाएंगे, नहीं, रोजा बीमारियां तो शिफा का ना है, सुभान अल्लाह। जी जेड़ियां बीमारियां तेरिया दवाइया खा के एक फीसद फर्क नहीं होंदा, तू दो चार साल तो दवाइया खाता पे, लै पाबंदी ना रोजे रख लै, रोजे ज्यादा रखने की आदत पा, तेरी वो बीमारी खत्म हो जाए, वड्डी तो वड्डी बीमारी तेरी खत्म हो जाएगी। बस यार खोरी ज्यादा खाना ये बीमारियां दी वजह है, बीमारियां दा सबब है, थोड़ा खाना बीमारियां तो बचाओ दा एक बेहतरीन जरिया है, ये रोजा ते ढाल है, ढाल बीमारियां तो। अगो बंद जड़ा ना बंद ये जनाब एंटीबायोटिक है जी, रोजा एंटीबायोटिक है बीमारियां तो, बचाओ दा बेहतरीन हल रोजा जे। इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा ना, अल्लाह अकबर, मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की बड़ी ज्यादा तलकीन फरमाई है ना। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह इस तरह सईद बिन हुज्जाज हजरत जनाब साद बिन इब्राहिम सईद बिन मुसैब वकी बिन जर्रा वगैरह बड़े बड़े मुहद्दिसीन और बड़े बड़े ताबीन अक्सर रोजा रखिया करते सन। सय्यदना उस्मान ज़िनूरैन रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने मामूल का पता है, शायद तुहानू ना इलम होवे ते अदना तालिब इलम अर्ज करता चला जाए, हजरत उस्मान दिन नू दो कम किया करते सन,
दिन दा रोजा, रोजिया दे महीने अंदर दो काम अगे पिछे भी करते सन, ये काम रोजा रखना और सखावत खर्च करना अगे पिछे, पर रोजिया दे महीने च हर रोज रोजे नाल भी होंदे सन दिन नू और दिन नू सखावत भी करते सन, हर रोज सखावत करते सन। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला उन्हां दा मामूल सी रोजाना दा, और रात नू सुजूद और कयाम उन्हां दे शेड्यूल अंदर शामिल सी। रात नू मुसल्ले ते हुंदे, दिन नू रोजे नाल हुंदे, अपनी मजदूरी भी करदे और नाल दो हाथां नाल हर रोज़ वंडदे भी रहिंदे, तकसीम भी करदे रहिंदे, खर्च करदे रहिंदे। सैयदना उस्मान इब्ने अफान दा ए मामूल सी रजी अल्लाह तआलान। सैयदना उस्मान वाजीवा सैयदना उस्मान दा मुआसरा तंग कर दिता गया है, इवें जनाब बहुत दिन गुजर गए, 50 दिन का मुआसरा। सैयदना उस्मान जिन दिनों शहीद किए गए ने उन्हां दा मुआसरा तंग हो गया है, 50 दिन चो 40 दिन खोजे गुजरे, उन्हां तक खाना भी नहीं पहुंचने दिता जा रहा, राशन भी नहीं पहुंचने दिता जा रहा। इवें एक बंदा अगे होके अर्ज करता है, मीर उस्मान जी 40 रोज गुजर गए, 40 दिन बीत गए, तुहाडे तक ना पानी पहुंचने दिता जा रहा है, ना राशन तुहाडे तक पहुंचने दिता जा रहा है, गुजारा किवें करदे हो? सैयदना उस्मान फरमांदे सन, जदों मैनू तरेस सतांदी है ते मैं रोजे दी नीयत कर लैना। ओहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाल कहंदे ने प्यास, प्यास दा इलाज ते भुख दा इलाज दो चीज़ां नाल कर लैना, या ते मैं कुरान पढ़न लग जाना या रोज़ा रख लैना। जे कुरान पढ़ना ते मैनू अल्लाह प्यास दा एहसास नहीं होण देंदे, मैं भुख लगती है ते रोजे दी नीयत कर लैना, अल्लाह मैनू भुख दा एहसास ही नहीं होण देंदे। सुभान अल्लाह। रोजा 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 अहदीस सैया दे अंदर ये बात मौजूद है ना जनाब। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। इधर वेखो ना जनाब, रोजा सही अहदीस अंदर मौजूद है कि यानी तीन रोजे हर महीने दे नफली रोजे रखना सुन्नत, तीन रोजे। ज्यादा तो ज्यादा बंदा दाऊदी रोजा रख सकता है। दाऊदी रोजा की सी? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते सन, एक दिन छड़दे सन। हर रोज बिला नागा रोजे रखना मना है, ठीक है? ज्यादा तो ज्यादा दाऊदी रोजे की इजाजत है, एक दिन छड़दा जा, एक दिन रखता जा, एक दिन छड़दा जा, रखता जा। क्यों जी? या तीन महीनों के रोजे, एक रोजे का 10 रोजिया के बराबर सवाब है। अगर महीने के 3 रोजे रख लवें, गोया कि तू पूरे महीने पूरा महीना ही रोजे रखे, हैं 13, 14, 15। सुभान अल्लाह। इन तारीखों के अंदर रोज़ा रख लिया कर, सुन्नत। अल्लाह अकबर। या फिर जनाब जुमेरात दा ते सोमवार दा रोज़ा रख लिया कर, ये भी सुन्नत है। अगर इस तो ज़्यादा रोजे रखने चाहना है तो दाऊदी रोज़ा रख लिया कर। एक जनाब बंदा भी उहदा नाम ही दाऊद है, दाऊद बिन अबी हिंद। हाँ जी, 40 साल गुजर गए तो रोजे रखते रह, दाऊदी रोजा रखते सन, इलम पढ़े सन, एक दिन छड़ देना एक दिन। 40 साल गुजर गए तो बीवी नू भी नहीं पता, कपड़े का काम करते सन, कपड़ा फरोश सन, बीवी ने खाना बन देना, वो जाके गरीबां च तकसीम कर देना, आप रोजे नाल होंदे सन। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये जे अमल जिहड़ा खालिस अल्लाह नू पता होवे तेरे अमल दा, ये नहीं रोजा रख के एवें सारे नेरी पांदा फिरे, तूफान बनया फिरे, ओ जी रोजे नाल, ओ रोजा रखिया होया, तैनू पता नहीं मैं रोजा रखिया होया, नहीं। ऐ कादा बात, ऐ कादा अमल है, ये किस चीज़ की नेकी है जिहड़ी असीं तुसीं करने आ? मेरे प्यारे भाइयों, ना ना ये तो बहुत बात गलत। रोजा रख, इधर वेखो दाऊद बिन अबी हिंद रहमतुल्ला अलैह, कपड़े का कारोबार करने वाले, कपड़ा फरोश मजदूरी करने वाले, 40 साल गुजर गए थे रोजा रखते रहे मुसलसल 40 साल। फर्द रोजे मुसलसल रखने जायज ने पूरे महीने दे, ते नफली रोजे एक दिन छड़ लै एक दिन रख लै, 40 साल तो रोजा रखते रहे, बीवी नू नहीं पता। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। जी जी, हजरत इब्ने उमर, हाँ
हजरत उमर रजी अल्लाह तआला दे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर किसे मिसकीन नाल बिठाए बगैर रोजा कदी भी अवतार नहीं करते सन। सारा दिन मिसकीन लभदे रहिंदे, कोई भुखा लभदे रहिंदे, कोई गरीबड़ा लभदे रहिंदे। ओ तेरे दस्तरखान ते कदे ओ लोग भी बहने चाहिए ने जिन्हां नूं कदी कोई नहीं दावत देंदा, ते फिर अल्लाह दा तू प्यारा है, फिर तेरी दावत कबूल होएगी। ते जे पहले जेड़े गुलशरे उड़ांदे खा खा के अपने आप तो बाहर होए पैते, उन्हां दी दावत रोज तू कीती रखनी अमीर तरीन लोगां दी, ओ कादी तेरी दावत है। है जी, ये ते तेरा है, तेरा एक खेडण दा खड़कारी बनण दा एक कारनामा है। ये ते हाथ खेड़ रहे हैं क्यों किसे वेले उन्हां नूं मैं ना है जी दावत खवा खवा के ना, अल्लाह की रजा तो उहदे च हैगी नहीं। जे अल्लाह की रजा होवे तो गरीब बंदा भी तेरी दावत तेरे दस्तरखान ते बैठे ना। हाँ, जिहड़ा दो महीने गुजर जाण, चार महीने गुजर जाण, कदी गोश्त की बोटी वह लैके नहीं खा सकता, बेचारा दाल जोगा भी नहीं, कदी लून मिर्च घोल के रोटी खांदा है, ओनू ले आण के दस्तरखान से बिठा के सोना खाना खवाएगा, रजा के खाना खवाएगा, पुरतकल्लफ खाना खवाएगा, अर्श वाला तेनू लखा गुणा ज्यादा दे देगा। अल्लाह खुश होएगा, कह है मेरा बंदा, मेरे गरीबड़े जे बंदे नू ले आण के फिर नेक बंदियां नू, नेक बंदियां नू टोला के मौलवी एवें नहीं साढ़े वर्गे ना दे मौलवी होवे ते रोज दावतां करदा फिरे, ना दे मौलवियां दी नहीं नहीं, जेडे अंदरों मौलवी होण तू अपनी टोला रिसर्च कर, जेड़ा नेक बंदा मुत्तकी परहेजगार है मौलवी ना भी होवे। क्यों जी? बेहतर है कि आलम दीन, दीन दा इलम रखने वाला और तालिब इलम जेड़ा दीन हासिल करदा है जी, उन्हां लोगों नू दस्तरखान ते बिठाया कर, तेरे वास्ते दुआ करनगे। क्यों जी? तेरे अल्लाह रिज़क च बरकत फरमा देगा। ते या फिर है जी वह बंदा जेड़ा आलिम ते नहीं ना वह तालिब इलम है, बंदा नेक है, क्यों जी मुत्तकी परहेजगार है, अल्लाह को डरने वाला है, मिसकीन गरीब जिहा बंदा, इहो जिहे लोगों दी दावत ज्यादा करया कर। अल्लाह अकबर अल्लाह जी। मेरे प्यारे वीर, इसे वास्ते ते अर्दा लग रही ने मैं सही मुस्लिम शरीफ दी एक होर हदीस सुनते चले जाओ। मेरे तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ रोजेदार जेड़ा फोश गोई तो यानी फोश बातों तो फाहिशा गुफ्तगू तो और जाहलीयत वाले कम्मा तो अगर नहीं जे रुकदा गाली देन तो बाद नहीं आंदा। अल्लाह अकबर, ओदा कोई रोजा नहीं, ओते जिवें बंदा रोजेदार तो बगैर यानी रोजा नहीं रखिया ते खांदा पींदा चरदा चुगदा फिरदा है, ओते ओदे बराबर ही जा पैंदा है, ओदे बराबर ही हो जांदा रोजा, गोया कि ओदा कोई नहीं, एक फर्ज अदा हो गया। मुहद्दिसीन कहंदे ने, फतवा देंदे ने, बाकी रोजे दा उहनूं अजर उजर कोई नहीं मिलिया, अजर नहीं मिलिया, एक बस फर्ज अदा हो गया। अगर चाहना तेरे रोजे का तेनू अजर मिले तो फिर रोज़ा रख। सुबहान अल्लाह, अपनी अख का भी रोज़ा रख, अपनी जबान का भी रोज़ा, अपने मुँह का भी रोज़ा, अपने हाथ पैर का भी रोज़ा, पूरे दे पूरे यानी जड़े आजा ने तेरे अल्लाह ने बनाए ने, और दिल का भी रोज़ा रख, दिल च बुराइयां भी ना सोच, बुरे काम भी ना सोच, वो कट दे विचो ते फिर वेख रोज़ा, फिर रोजे का अजर मिलेगा। अल्लाह अकबर, फिर रोजे का अजर इतना मिलेगा कि तेनू पता ही नहीं, क्यों जी तू जानता ही नहीं, रोजे का अजर इतना ज्यादा कि अल्लाह नू पता है, अल्लाह ही देगा रोजे का अजर। अल्लाह कहता है मैं ही जानना ये अंदरों के हो जाए, तो रोजे का किसी होर नू पता नहीं ये कितना क मुखलस से रोजे अंदर। अल्लाह कहता जानता भी मैं इस अमल नू और इस अमल का सवाब भी मैं आप ही देंगा। समझ आ गई ना बात जी? मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ दिया दीज, अल्लाह दे प्यारे नबी ने फरमाया है जी, अगर कोई बंदा है जी तेनू गाली देंदा है, तेरे ना लड़ना चाहता है, झगड़ना चाहता है ना, गाली देंदा है ते झगड़ना चाहता है, फरमाया उस बंदे नू आख साइमुन, मैं रोजे नाला इन्नी साइमुन। दो बारी हदीस चाहता है, प्यारे नबी ने फरमाया दो बारी आख दे भाई मैं रोजे नाला, मेरा रोजा मैनू लड़न की इजाजत नहीं देंदा, तेरिया गालां दा जवाब देने की इजाजत नहीं देंदा, तू लड़ना है ते मैनू मेरा रोजा रोकदा है, मैं रोजे नाला मैं लड़ नहीं सकदा तेरे नाल। अलगरज मैं दसना है जाना, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बुखारी दीजे, कैन अजुआ
باد بالخير من ريح المرسلة. اللہ دے پیارے نبی تیز ہوا جو چل دی نا اے دے نالوں میں زیادہ سخی ہو جاندے روزیاں دے مہینے، اتنا زیادہ خرچ کر دے آپ تیز ہوا جو چل دیے انج خرچ کر دے سارا مہینہ. اللہ اکبر، روزہ شب و روز خواہشات نو کچل لے دا نام ہے. رمضان کیسے گزارے پتہ چل گیا کہ میں رمضان گزارنا سی، روزہ خواہشات نو کچل لے دا نائے، یعنی رات نو افطاری سحری اور جناب اسی طرح قیام تلاوت قرآن پاک اعتکاف دے دنا چ اعتکاف بیٹھ جا اور پھر لیلۃ القدر دی تلاش کر لے جڑی خیر من الف شہر، ہزار مہینے نالو بھی بہتر ہے. یہ 83 سالاں دی عبادت بندی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک رات سونیا پنجاں راتاں چوں ایک رات لا لوے تے تینوں اللہ اجر تے ثواب اتنا عطا فرمائے گا کہ گویا کہ 83 سال تو عبادت ہی کردا رہے رات نوں. 83 سال اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ. امی عائشہ فرما عرض کر دیا نے، یا رسول اللہ اگر میں روزے دا مہینہ ہاں جی دے اندر لیلۃ القدر دی رات دا مینو علم ہو جائے، مینو پورا یقین ہو جائے کہ اج روزیاں دے مہینے تاک راتاں چو اج والی رات لیلۃ القدر دی رات ہے، اگر میرے اندر دی اس مینو آکھے کہ میرے جناب لیلۃ القدر لیلۃ القدر دی رات ہے، میں رب کو کی منگیا کراں. اللہ دے نبی نے فرمایا آکھیا کر اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ معافیاں نو بڑا پسند کرنا، عرشاں والے مینو ہی معاف فرما دے. اللہ اے دعا کریا کر. اسے واسطے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند رات، چاند رات تے سمجھ دیو نا جیڑی ساری رات ہی اسی آوارہ گردیاں چ ہے جی خرید و فروخت شاپنگ چ ساری رات گل کر دینے ہنسے مذاقاں. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول ہوندا سی کہ چاند رات وی جویں لیلۃ القدر دی رات نو تلاش کرن واسطے عبادت کردے سن، چاند رات نو وی اسی طرح ہی اللہ دے نبی عبادت کردے سن. کیوں؟ جو سویرے عید الفطر دے اجتماع دے اندر تقسیم انعامات دی تقریب ہوئے گی. اللہ اللہ اکبر. بڑیاں لمیاں چوڑیاں حدیثاں دا خلاصہ پھر اج بیان ہوئے. اللہ اکبر. آخری دو منٹاں دے اندر مومن علی موسم بہار آیا ہے. جوڑ جوڑ دیا سمے ایک دن جوڑ، ویسے کدی جوڑ جوڑ جاندے نے، میں شاعر نہیں. مومن علی اب آمد آمد آ گیا ہے جناب. مومن علی موسم بہار آیا ہے، بن کے پلا دی میں کار آیا ہے، مومن دے رزق ودان آیا ہے، سارے گناہاں مٹان آیا ہے، تیرے میرے دل دا قرار آیا ہے. مومن علی موسم بہار آیا ہے. ادھر ویکھو اللہ اکبر اللہ جند، ادھر ویکھو نا لوگو برکات دا عظیم سایا ہے، دوزخ تھی کرنے آزاد آیا ہے. اے نا سید عیساں دا خلاصہ، لوگو برکات دا عظیم سایا ہے، دوزخ تھی کرنے آزاد آیا ہے، لے کے اخوت پیار آیا ہے. مومن علی موسم بہار آیا ہے، جندرے شیطان دی لگائے جاندے نے، جنتاں باغات بھی سجائے جاندے نے، اے جنتاں لی کرن تیار آیا ہے. مومن علی موسم بہار آیا ہے، رکھ لیے روزے تے قرآن پڑھیے، لگی سیڑھی جنتاں دی آئیے آئیے چڑھیے، لگی سیڑھی جنتاں دی آئیے چڑھیے، جنتاں لی کرن تیار آیا ہے. مومن علی موسم بہار آیا ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. جلدی کرو اپنے رب دی طرف دوڑو دوڑو، اللہ دی مغفرت نو تلاش کرن واسطے، بخشش نو تلاش کرن واسطے دوڑو. رمضان کیسے گزارے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا